अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ सुमेरा, वेलकम टू कुकनोलॉजी। आज मैं बनाने वाली हूँ मसालेदार चिकन पुलाव। ये मसालेदार चिकन पुलाव की सबसे आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद आपके घर में सिर्फ यही मसालेदार चिकन पुलाव बनेगा। क्विक एंड ईजी रेसिपी है, झट से पुलाव तैयार हो जाएगा और टेस्ट में बिरयानी को भी पीछे छोड़ देगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। चलें तो स्टार्ट करते हैं। 3 कप चावल मैंने वॉश करके भिगो दिए हैं। 1/2 कप ऑयल ऐड किया। इसमें जाएंगे 2 तेज़पत्ते, थोड़ी सी दालचीनी, 2 बादियान के फूल, 4-5 सब्ज़ इलायची, 7-8 लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 खाने की चम्मच साबुत काली मिर्च, 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1 खाने का चम्मच काला ज़ीरा। इन सब खड़े मसालों को 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई किया। इसमें जाएगी 2 मीडियम साइज़ की प्याज। इस प्याज को हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट के लिए फ्राई करके ब्राउन करना है। देखें, प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब इसमें जाएगी चिकन, 1 किलो चिकन है मेरे पास। अब इस चिकन को भी 3-4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। अब इसमें जाएगी 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक कुटी हुई। मज़ीद 2 मिनट के लिए कुक करूँगी। 1 कप दही ऐड किया। 1.5 खाने का चम्मच सुरख मिर्च ऐड की। 1/2 खाने की चम्मच धड़ा मिर्च ऐड की। 2 खाने के चम्मच नमक ऐड किया। 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर ऐड किया। 1 खाने का चम्मच बिरयानी मसाला ऐड किया। थोड़ा सा सूखा हुआ आलू बुखारा ऐड किया। 5-6 मिनट अच्छे तरीके से कुक करके बहुत अच्छा सा मसाला रेडी करना है। अब इसमें जाएगा 3 कप पानी। अब इसको कवर करके कुक करूँगी हाई फ्लेम पे, जब तक पानी बॉईल होना शुरू हो जाए। पानी बॉईल होने लग गया। अब मैंने इधर नमक चेक किया है, नमक थोड़ा कम था। इधर मैंने 1/2 खाने की चम्मच और नमक ऐड किया है। अच्छे से मिक्स कर दिया है। 3 कप राइस जो भिगो के रखे थे ऐड किए, अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए हैं। कवर करके हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए कुक किया। तकरीबन 1 कप पानी रह चुका है, फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब मैं इसमें ऊपर से ऐड करूँगी टमाटर और थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा धनिया पुदीना चॉप करके ऐड किया। 3 खाने के चम्मच घी मेल्ट करके ऊपर से ऐड किया। कवर करके बहुत ही लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट के लिए कुक किया। देखें जी, बहुत ही ज़बरदस्त मसालेदार चिकन पुलाव रेडी हो चुका है। ऊपर से मैंने गार्निश किया फ्राई की हुई प्याज से, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। साथ में रायता और सैलड बनाएं और गर्मा गर्म सर्व करें। इस रेसिपी से बहुत ही यम्मी टेस्टी स्पाइसी मसालेदार चिकन पुलाव बनेगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।